गया। वो जैस्मिन को अपने साथ लेकर फिर उन्हीं वीरानों में गया। आज अमावास की खूनी रात है, आज वो अपने शैतान देवता के सामने जैस्मिन की बलि चढ़ाएगा। नहीं। और फिर नकीता जिंदा होगी। मेरी बच्ची को बचा लो समीर, मेरी बच्ची को बचा लो। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, जैस्मिन को मैं बचाऊंगा। तेरी मौत नकीता की जिंदगी होगी। तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा, अनकिता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। Here!
जाओ बेटी, रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जला कर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने दे भाई। विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। बाबूजी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पापा आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया? पापा, पापा, पापा। उसकी तरफ मत देखो, उसकी आंखों में।
हर काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है, हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।